हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि बम्बू से मछली कैसे पकाता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे और क्या क्या डालते हैं उसके बारे में भी बताएंगे और आगे देखिए कैसा होता है। हेलो गाइस, दादा के ओके चौहान तुम लोग चिली फैमिली तुम लोग लगे ओखरी बार बांग मैंने ओखरी थे ओके ओगलांग पंग पकलांग पंग। सबसे पहले बम्बू काटकर उसके अंदर मछली धरना पड़ता है। मछली धरने से पहले उसे क्या क्या मिक्स करना है वही जरूरी होता है। उसके बाद आँख में जला देता है, तब पकने के बाद उसे निकाल देते हैं। पीपीसी के मिक्स में मालावांग सोलाम थी दांग पकलांग पंग। हेलो गाइस, ये हो गया है। आपको इस बम्बू का साफ करना जरूरी होता है ताकि इस खाने से कुछ खराब हो ना जाए। सबसे पहले इसको आसान तरीके से निकालने के लिए आपको बम्बू को काटना पड़ता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर इसी तरह आप करेंगे तो आप आसान से निकल सकते हैं। ध्यान रहे कि आप काटते समय अंदर की मछली को खराब ना हो जाए। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो अंदर के जो पकाया हुआ मछली खराब हो जाएंगे। अंदर के जो मछली को खराब ना होने के लिए ध्यान से करना चाहिए। और देखिए आसान तरीके से कैसे निकलना है, आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे करते हैं। अगर आप भी तो इसी तरह करिए ताकि ये आसान तरीके से निकल सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे आसान से निकल गया है, कोई अंदर के मछली को खराब चोट नहीं पहुंचाया। इसलिए आप भी ध्यान से करिए। अगर आप भी इसी तरह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लिए होंगे कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक बम्बू की ज़रूरी है जो कि मछली पकाने के लिए। एक केला के पत्ता चाहिए जो कि मछली धरने के लिए। और इसके बाद आपको मछली मिक्स करना है कि अपने मसाला के साथ, जैसे कि मैंने इसमें डाला है कि कच्चा हल्दी, अदरक, गार्लिक, ओनियन और धनिया और करी का पत्ता। उसमें बहुत सारे मसाला डाल सकते हैं जो कि टेस्टी हो। आप अपनी मछली के हिसाब से मसाला को डाल सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी कि हर चीज़ में डालना चाहिए, जो कि कच्चा मिर्च जिसे कि थोड़ा टेस्टी करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि इंसान में सबसे कौन सा ज़रूरी आपको भी पता चल गया होगा, वो है एक नमक। अगर बिना नमक के सब्ज़ी बनाएंगे तो कोई भी खाने वाला नहीं होंगे। और ये भी जानते हैं कि बिना नमक के सब्ज़ी टेस्टी नहीं होता है, इसलिए वो तो सबसे ज़रूरी होता है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सब भी ज़रूरी होता है। हर किसी का भूल जाना ये भी एक समय होता है, इसलिए भूल ना जाए। इसलिए आप इस वीडियो के थ्रू से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि मछली कैसे बना है और देखने में कैसा लगा। ऐसा लगता है कि खाने में बहुत टेस्टी होगा। मुझे लगता है कि मछली तो सबको भी पसंद है, इसलिए आप लोग भी चाहेंगे कि इसी तरह बनाकर खाएं। अब आपको इस वीडियो के थ्रू से आपको कोई सहायता मिला है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो अब तक पहुंचाते रहे। ऐसा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि खाने में बहुत टेस्टी होगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अगर आप भी इसी तरह खाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए।